सिर्फ लोगों को इंतजार है, जिस दिन चुनाव होगा बदलाव निश्चित है। तीसरी बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है जनता ही। छत्तीस बिरादरी ने हुड्डा साहब का स्वागत कराया, छत्तीस बिरादरी जिसके साथ होती है वो सरकार बनाता है। पूरा जोश है लोगों में, नौजवानों में, छत्तीस बिरादरी में। लोकसभा में कांग्रेस कम से कम 5 सीट जीतेगी। हर घर में कांग्रेस मिलेगी आपको, और मिलता ही नहीं कुछ भी। जींद के लोगों ने ये बता दिया कि जींद में आने वाला टाइम कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का है। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। अभी मैं जींद में हूँ और आज यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अब पूरे शहर का दौरा लगाने के बाद जांच गेट पर पहुंचे हैं। विधायक जी मेरे साथ हैं, सुभाष जी मजा आया? आप भी तो मेरे साथ हैं, आप भी देख रहे हैं, छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हर छोटे दुकानदार से बड़े दुकानदार तक, हर व्यापारी किस प्रकार से घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का स्वागत कर रहा है। ये एक बदलाव का आगाज है, सिर्फ लोगों को इंतजार है, जिस दिन चुनाव होगा बदलाव निश्चित है। कह रहे हैं बदलाव निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है जी। हुड्डा साहब के नेतृत्व में लोग जैसे घर घर कांग्रेस का जो आपने देखा है, लोग हुड्डा साहब का स्वागत कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन का इंतजार है। ऐसा इतनी नाराजगी क्यों लोगों में दिख रही है? किसके प्रति? बीजेपी के प्रति। बीजेपी के प्रति लोगों, बीजेपी के जो कर्म है, कांड है, उनके प्रति नाराजगी है। बीजेपी ने तो लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं, महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है, भ्रष्टाचार दिया है। क्या कहोगे भाई साहब आज इस प्रकार से? घर घर कांग्रेस, बदलाव निश्चित है, लोगों का जोश है, उत्साह है, पूरा जोश। बदलाव के कारण क्या मानते हैं? बदलाव के कारण बेरोजगारी, महंगाई, पब्लिक इतनी तंग है बहुत ज्यादा। क्या कहोगे प्रधान जी? देखिए आप सब में प्रधान, हरियाणा के अंदर बदलाव है, 17-12 ये जनता आपको दिखाई दे रही है। पूरा बाजार अब देखा, बाजार के अंदर भी इतना लोगों में जुटा हुआ है। तीसरी बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है जनता ही, इसमें कोई शक नहीं है। क्या कहोगे विधायक जी? आज तो पूरा झंडा कंधे पर क्या चाले जी, सरकार बनानी है कांग्रेस की। आज का प्रोग्राम किस आने? आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा, भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का प्रचार होया दबाव है। और जिन शहर से राजनीति चलती है, आप छत्तीस बिरादरी ने तो साथ दिया है। यहाँ दलितों ने, बैकरोड ने, बणियों ने, पंजाबियों ने, छत्तीस बिरादरी ने बड़ा साहब स्वागत कराया। छत्तीस बिरादरी जिसके साथ होती है वो सरकार बनाता है। क्या कहोगे साहब? देखिए घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, आज के माहौल को देख के ऐसा लगता है कि पूरा जींद उमड़ पड़ा है। और हरियाणा में जो है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनानी निश्चित है, कांग्रेस पार्टी भाई दीपेंद्र जी की सरकार आनी निश्चित है। पूरा जोश है लोगों में, नौजवानों में, छत्तीस बिरादरी में, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो जो है बाजार में जिस भी कम्युनिटी के लोग हैं, छत्तीस सारा जींद उमड़ पड़ा आज। और मास्टर जी राम राम, ठीक हो? बहुत बढ़िया। तो रौनक थी? हाँ पहले पहले बताऊँ, रौनक आप पे भी नहीं हुए, हम छोटे छोटे थे जब भी नहीं हुए थे, आज भी नहीं हुए। ये आप लोगों का हमारे प्रति जो श्रद्धा है, भाव है, प्यार है, और कांग्रेस पार्टी की लहर है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जलवा है। और इसके लिए आप सभी हरियाणा प्रदेश के, जो हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की जो लहर बनती आ रही है, राहुल गांधी जी की जो एक घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, ये जो अभी जो कार्यक्रम है उसके लिए बहुत घर डोर टू डोर चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आ जाए भाई कुछ और, आज साहब क्या कहोगे? आज तो पूरी रौनक लगा दी। आज जो ये घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का संदेश चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुरुआत जींद से की है, इसका बहुत फर्क पड़ेगा। और कांग्रेस कार्य घर घर जाएंगे निश्चित तौर पर, 2024 में इसका सकारात्मक निर्णय देखने को मिलेगा। लोकसभा में भी लगता है कुछ आएगा? लोकसभा में कांग्रेस कम से कम 5 सीट जीतेगी। अच्छा, हाँ 5 कम से कम। और विधानसभा का क्या है? विधानसभा हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे मेजोरिटी साथ। कह दिया भाई मुख्यमंत्री बनेंगे, कुछ और लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। ये निर्माण से प्रत्याशी आपने? क्या कहोगे भाई साहब? मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आपके सभी सब्सक्राइबर्स को राम राम जी। और मैं यही कहना चाहूँगा, जो घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का कैंपेन है, इससे हर घर पहुँचा जाएगा और कांग्रेस को और बल में देने का काम करेंगे जी। क्या कहोगे प्रधान जी? आज घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है।
उसके आज से शुरुआत की है, अभियान चलाया है। जींद में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा उस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए आए थे। सभी कांग्रेस पार्टी के साथी उनके साथ थे। उन्होंने टाउन अच्छी भी है कि नहीं, घर घर हर घर में कांग्रेस मिलेगी आपको, और मिलता ही नहीं कुछ भी। क्या रिजल्ट देखते हैं आगे? आगे का रिजल्ट ये देखते हैं, अच्छे भारी बहुमत से गवर्नमेंट बनाएंगे। क्या कहोगे आज जो कार्यक्रम रहा इसको लेकर? आज का कार्यक्रम लोगों में बहुत उत्साह और जोश है हुड्डा साहब के प्रति और कांग्रेस पार्टी के प्रति, क्योंकि आने वाली सरकार कांग्रेस की है और हुड्डा साहब तीसरी बार प्रदेश की कमान संभालेंगे। उसमें सब कार्यकर्ताओं में भी और जनता में भी बहुत जोश है। जोश कह रहे हैं, आ जाओ विधायक जी, आज तो पूरी लंबी खिंचाई करके चल रहे हैं। देखा भाई, कोई लंबी खिंचाई नहीं, अभी तो संघर्ष चलता रहे है। और आपने देखा जींद में आज जो हमारे नेता प्रतिपक्ष छत्तीस बिरादरी नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी जब जो ही जींद में बड़े हजारों की संख्या में आपने देखा, बहुत बड़ी लंबी लाइन, शायद दो किलोमीटर लंबी लाइन बाजार में लगी। और जींद के लोगों ने ये बता दिया कि जींद में आने वाला टाइम कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का है, यह आज निश्चित कर दिया जींद ने। कारण क्या लगते हैं इसके पीछे? देखिए, कारण एक तो बहुत बड़ा कारण है कि हमारे युवा आज अगर प्रदेश की बात करें तो बेरोजगारी में एक नंबर पर पहुंचा दिया। अगर आप किसान की बात करो वो तंग है, छोटा व्यापारी दुकानदार और भ्रष्टाचार, और आपने देखा भय इस हरियाणा प्रदेश के हर आदमी को, भय पता नहीं कब गोली लग जाए और कब बदमाश आ जाए। जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का राज था, या तो बदमाश ऊपर चले गए थे या भीतर चले गए थे या हरियाणा छोड़ गए थे। वो प्रदेश दोबारा से हरियाणा प्रदेश की टकटकी है, दोबारा से प्रदेश फिर नंबर वन हो और भयमुक्त हो। चाहे लाखों रुपए सिर पर लेके चले जाओ, कोई भी व्यापारी जो कोई किसान उसके पैसे को कोई हाथ लगाने वाला नहीं मिले, वो हरियाणा दोबारा से देखना चाहता है प्रदेश। तो ये कांग्रेस जनते जिनसे मैं लगातार बातचीत कर रहा था, सारे उत्साहित हैं और कहते हैं कि भाई अब हर घर में कांग्रेस पहुंच रही है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सोन के साथ सत्यदेव शर्मा, सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।